हेलो एवरीवन, दिस इज कृपा कोसंबी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे कि आपने कितने दिनों से व्लॉग कोई नहीं डाला है, तो प्लीज़ बताइए कि क्या सिचुएशन है यूके की, जॉब्स मिल रही है कि नहीं। और यूके की रियलिटी है जो चल रहा है यूके में, बस मैं वही बताऊंगी ये व्लॉग में आपको कि जॉब एक्चुअली में मिल रही है या नहीं मिल रही है, लोग वापस क्यों जा रहे हैं यूके से। तो दिस ऑल आई बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून और एंड तक देखना, आपको एक्चुअली में यूके की रियलिटी पता चलेगी। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ कि स्पॉन्सर वीज़ा, कोई ऐसी जॉब जो आपको स्पॉन्सर करे, आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा दे। सो टू गेट PR परमानेंट रेसिडेंस यू हैव टू बी ऑन स्पॉन्सरशिप वीज़ा फॉर 5 years। 5 years आपको रहने के बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, और PSW के 2 years इसमें काउंट नहीं होते PR में। आपको स्पॉन्सर वीज़ा पे ही 5 years होने चाहिए तो ही आपको मिलेंगे, ना ही आपके स्टडी के 2 years या 1 year आपके काउंट होंगे, ना ही आपके PSW के 2 years काउंट होंगे। आपको स्पॉन्सरशिप पे ही 5 years होने चाहिए। अभी स्पॉन्सरशिप के लिए तो ऐसी जॉब तो होनी चाहिए ना। तो आफ्टर स्टडी हम छोटे मोटे जॉब्स तो हमने कर लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिल जॉब मिल रही है कि नहीं, तो मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। मेरा मैं बाद में बताती हूँ, मेरे फ्रेंड्स का बताती हूँ। मेरे 2 friends हैं जो जिसने मेरा ही कोर्स स्टडी किया है फार्मास्यूटिकल साइंस, उनको मिल गई है फार्मेसी में जॉब। तो फार्मेसी में ईजीली स्पॉन्सर करते हैं एज अ डिस्पेंसर, उसमें डिस्पेंसिंग में उसमें लोगों को ईजीली जॉब मिल जाती है। दूसरे एक चली गई है मेरी फ्रेंड कैरर में, तो कैरर में भी इजीली स्पॉन्सर करते, सबको पता ही होगा, तो कैरर में भी करते हैं। फिर दूसरे एग्जांपल दूँ तो जो लोग जिन्होंने नर्सिंग स्टडी की है, डॉक्टर मेडिकल स्टडी किया है, तो उन लोगों को भी NHS, यहाँ पे NHS है उसमें इजीली वीज़ा मिल जाता है, और उनको तो IHS की फ़ी भी नहीं भरनी पड़ती जो लोग NHS में लगते हैं। तो ये लोगों को इजीली स्पॉन्सरशिप मिल गई है, PSW लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वो लोग पहले ही पार्ट टाइम फार्मेसी में करते थे जब स्टूडेंट थे, तो उसके बाद उनकी फार्मेसी ने उनको स्पॉन्सर कर दिया, तो इन लोगों को मिल गई है। अभी मेरे एक फ्रेंड जिसने किया है कंप्यूटर साइंस, तो उसका मोर देन 1 year हो चुका है PSW पे, स्टडी कम्प्लीट होने के बाद उसने कंप्यूटर साइंस किया है, उसको इंडिया में एक्सपीरियंस भी है, बट स्टिल शी इज़ लुकिंग फॉर जॉब। मतलब मोर देन 1 year से शी इज़ लुकिंग फॉर जॉब, और हर जगह से, एंड ऐसा भी नहीं कि वो अप्लाई नहीं कर, एक्टिवली शी इज़ अप्लाइंग एवरीवेयर, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड इंटरव्यूज़ भी देने के बाद दे आर लाइक कि वी कांट स्पॉन्सर यू, आपको हायर कर सकते हैं, वी कैन हायर यू, वी कैन पे यू सैलरी, बट आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। स्पॉन्सर नहीं कर सकते तो वहाँ पर काम करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, तो ऐसा बोल रहे हैं। दूसरे मेरे 2 friends हैं जो MBA जिन्होंने किया है, तो वो लोग भी बहुत अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग इंटरव्यू राउंड तक भी जा रहे हैं, और इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं कि हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि हमारी फील्ड में तो वर्क फ्रॉम होम भी होता है, तो वर्क फ्रॉम होम तो आप अपने होम कंट्री से भी कर सकते हो, तो देर इज़ नो नीड ऑफ स्पॉन्सरिंग यू, राइट। तो ऐसा बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम होता है तो वो वहाँ से भी कर सकते हैं, तो ये एक रीज़न दे रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप ना देने का। अभी मैं मेरी बात बताऊँ तो मैं फार्मा कंपनी में जॉब करती हूँ, मुझे फील्ड जॉब है मेरी फार्मा कंपनी में, QC में आई वर्क, लेकिन मुझे अभी तक स्पॉन्सर वीज़ा करती है मेरी कंपनी ने, बहुत लोगों को वीज़ा स्पॉन्सर किया है, लेकिन मुझे अभी तक तो मेरे हाथ में इन हैंड वीज़ा नहीं है, ठीक है। तो बोला है कि करेंगे, कब करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ भी श्योर नहीं है, कुछ भी, मतलब जब तक हाथ में नहीं आता कुछ भी श्योर नहीं है, ठीक है। तो मेरे भी वीज़ा ख़त्म होने वाले हैं, तो मुझे भी अब डर लग रहा है कि क्या होगा, क्योंकि वीज़ा ख़त्म होने वाले हैं अभी। और टू बी ऑनेस्ट, जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं ना ऐसी दूसरी फील्ड्स, दूसरी कंपनीज जो कर रही है यहाँ पे, तो वो लोग बहुत सारा वर्क आपसे करवा के वेरी लेस पे यू गेट। सो दिस इज़ ऑल्सो द रियलिटी ऑफ UK की, जहाँ पे स्पॉन्सरशिप आपको दे रहे हैं ना तो बहुत लेस पे मिल रहा है, ओके। और अगर ज़्यादा पे मिल रहा होगा तो सब कुछ टैक्स में जाएगा आपका यहाँ पे। ये भी एक रीज़न है लोगों का कि
स्पॉन्सरशिप वीजा ही नहीं है, वीजा ही खत्म हो गए तो इलीगली तो रह नहीं सकते ना भाई, आपका वीजा खत्म हो गया है तो वापस जाना पड़ेगा। तो ये एक रीजन है कि लोगों को मजबूरी जाना पड़ रहा है, ना कि छोड़ के जाना है। दूसरा रीजन, द सेकंड पॉइंट इज कि हेल्थ केयर, यहाँ पे वेटिंग लाइन बहुत लंबी होती है हेल्थ केयर में। पहले तो आप बीमार हो तो इंसान को जीपी में फ़ोन करना है, 2-3 घंटे तक तो आपका फ़ोन ही नहीं लगेगा, वो लोग फ़ोन ही नहीं उठाएंगे आपका जीपी। और अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, इफ़ यू आर ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, तो ही वो लोग कुछ आपको अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे, लाइक स्पेशलिस्ट या कुछ इधर आगे आगे करेंगे, वरना तो नॉर्मल जीपी में ही जाना है। और अगर बहुत इमरजेंसी है और आप डायरेक्ट हॉस्पिटल जा रहे हो ना इमरजेंसी केस में, तो उसमें भी बिठा के रखेंगे। तो यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम तो बहुत बुरा है, ठीक है। हमने तो IHS फी भरी है PSW के साथ, जब स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई किया था तब भी भरी थी, PSW पे किया तब भी IHS फी भरी, लेकिन कोई बेनिफिट उसका, वो पैसों का कुछ नहीं मिल रहा है। तो हेल्थ केयर सिस्टम बहुत घटिया है यहाँ की, इंडिया की। तो हम छोटी छोटी क्लिनिक्स रहती है, डिस्पेंसरी रहती है, तो हम लोग ईज़िली वी कैन गो, हमें स्पेशलिस्ट भी कहीं पे जाना हो तो हमको ईज़िली मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत बुरा है, बहुत बुरा है सच्ची में। अगर मुझे टेंशन हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे सेटल होंगी, मेरे को अगर PR VR यहाँ पे है तो मेरा तो क्या ही होगा। मुझे लिविंग एक्सपेंस ऑफ UK इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, आई एम टेलिंग यू। अभी लास्ट ईयर, चलो यही नॉर्मल आपको चीज़ बताती हूँ कि IHS की फ़ी 2022 में मैंने PSW के लिए अप्लाई किया था, पर ईयर की IHS की फ़ी £624 थी पर ईयर की। जो अभी 2022 में ही अप्लाई किया था मैंने, 23 में वो बढ़ के £1,035 हो चुके, 624 से £1,035 पर ईयर की, ठीक है। तो 600 से 1000 पे उन्होंने जंप मारा है IHS फ़ी के लिए, सोचो। और PSW के लिए तो 2 ईयर्स के लिए अप्लाई करना होता है, तो 1000-2000 तो सिर्फ IHS अब जो करने वाले उनको भरना है, तो इसमें भी इतना हैवी जंप है। फिर आप ये कि रेंट भी हर जगह, छोटा सा बॉक्स रूम मेरा सिंगल रूम जैसा, उसका भी मैं 400-500 रेंट तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। इतना सब, मैं तो आउटसाइड लंदन रहती हूँ, जो लोग लंदन में रह रहे हैं उनका तो 500-600 तो छोटे से रूम का होता है, सिंगल रूम का रेंट रहता है। तो रेंट में ही तो आधी जो कमाते हैं सैलरी, वो आधी तो रेंट में ही चली जाएगी इधर, ओके। उसके बाद आती है ग्रोसरीज, उसके भाव तो बढ़ते ही रहते हैं, राइस ले लो, दूध, एग्स, ये ब्रेड, सारे ग्रोसरीज उसके प्राइजेस तो बढ़ते, उसका तो मुझे बताना ही नहीं है आप लोगों को। ट्रैवलिंग ले लो, वीकली मैं बस पास करवाती थी £14 का, वो बढ़ के अभी 17-18 pound हो चुका है, 17 point something हो चुका है, तो उसमें भी उन्होंने प्राइस बढ़ा दी है, तो ट्रैवलिंग पे भी बढ़ चुकी है। तो प्राइजेस बढ़ रही है लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो प्रॉब्लम ये है। तो अगर स्पॉन्सर वीज़ा मिल भी रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसा हो रहा है कि तो फिर वापस चले जाए, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि लोग वापस जा रहे हैं, इतना नहीं मिल रहा है। इतने होप से, जितनी पॉजिटिविटी से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मेरा लास्ट ईयर, उतना ही अभी मेरे को ऐसे होप्स मेरे ऐसे धीरे 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 नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वीज़ा ख़त्म हो रहा है और कुछ नहीं है हाथ में। बट ऐसा नहीं है, हमने बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, तो होपफुली गॉड ने देखा होगा हमारा स्ट्रगल और अच्छा ही करेंगे हमारे साथ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। सबका लक पे डिपेंड करता है, लोगों को मिलती भी है, मैंने बताया ना कितने लोगों को मिल चुकी है, मेरे आधे फ्रेंड्स को मिल चुकी है, आधे फ्रेंड्स को मुझे नहीं मिली है, तो लेकिन हो जाएगा, ठीक है, आपका भी हो जाएगा। डिस्करेज मत होना, डीमोटिवेट मत होना, आ जाओ, आ रहे हो UK तो देखा जाएगा, ठीक है। And I hope you guys like this video, then make sure you like, share, comment, subscribe and let me know in the comment section what do you think about it. कुछ भी पूछना है तो comment section में you are free to question me. मैं थोड़े time से बहुत ज़्यादा inactive थी YouTube पे, but अब मैं आपको reply देना चालू करूँगी, अच्छे से मैं आपके सारे questions पढ़ूँगी। If you guys want तो हम एक question answer round भी रखेंगे, जो जो questions आपके होंगे तो I will discuss that in one video. स्पेशली मैं इसका सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी, सो
क्वेश्चंस जो भी है आपको जो भी पूछने तो ये वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो. तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यू गाइस. सो दैट्स इट. बाय बाय. टेक केयर.